माय श्री परवेश्नुडन, मैं आप लोग को गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहे थे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन का ए और बी पार्ट भी हम करवाए हैं, सी पार्ट तक शायद उसमें गए होंगे। आज मैं गॉस एप्लीकेशन का नंबर थर्ड लेकर आया हूं। थर्ड एप्लीकेशन में कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए सरफेस। हम लोग को पॉइंट कहां ड्रॉप करना है, नियर ए सरफेस जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, नियर ए सरफेस जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर पर ड्रॉप करना है। जैसा हम लोग देखते हैं कि इसमें फिगर हम लोग बनाए हुए हैं और इसमें कुछ थ्योरी लार्ज लिखना है, तो थ्योरी हम लोग को समझ जाएंगे। अगर आप लोग समझ जाएगा तो आपको थ्योरी लिखने में बहुत इजी होगा। हम मेन पार्ट डेरिवेशन के पार्ट पर आते हैं। थ्योरी फिगर से आप लोग लिखिएगा, किस तरह से फिगर ड्रा किए हैं, फिगर में क्या क्या डिनोट किए हुए हैं, वो आपका थ्योरी पार्ट में हो जाएगा। और गॉस थ्योरम कहां पर वेरी कर रहा है, किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, वो सब हम लोग थ्योरी पार्ट में लिखते हैं। देखिए इसका फिगर में हमने मान लिया, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस तरह से हम लोग लिए हुए हैं एकदम सेम, ठीक है। तो देखो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, देयर आर मेनी थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर आएगा तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे पास एक सरफेस लिए हुए हैं तो इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किए सिग्मा से। अगर देखा जाए तो जो हम लोग पाइप लिए हुए इसका ए बी सी और डी नाम दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अगर आउटसाइड कंडक्टर की बात करें तो ए बी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो पी पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और सरफेस एरिया भी क्या उसका आउटवर्ड की है। इस पॉइंट पर की अगर बात किया जाए तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री है, और इस पॉइंट पर अगर बात करें तो नियत अंदर की ओर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सी डी पॉइंट है। तो देखो इस ऐसा अगर कंडक्टर रहता है तो इसको किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको भी हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आप बात करें तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये तो अंदर की ओर है, तो यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट में हम लोग लिखे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड तो है बट जिस सरफेस पर, जो सरफेस है उसी पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। दोनों सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर अगर है, सेम सरफेस पर है तो हम लोग को वहां पर डिग्री कितना बनाएगा, जीरो डिग्री। अगर जीरो डिग्री बनाता है तो हम लोग पता लगता है कि cos जीरो का मान क्या होता है, वन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट अगर बात करें सेकेंड पर पॉइंट पर, तो सेकेंड पर एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बना दिया cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यहां तक तो होगा नहीं। थर्ड पॉइंट पर अगर देखें, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर है, इनसाइड द कंडक्टर, जब कंडक्टर के इनसाइड है तो वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे आते हैं थ्योरी पे, सपोज ए गॉसियन सरफेस इंक्लूड द एरिया डीएस मानकर चल रहे हैं, द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, हेंस द चार्ज इंक्लूड बाय द सिलेंडर गॉसियन सरफेस। हम लोग देखो इस फॉर्मूला की अगर बात करें तो यह फॉर्मूला कहां से आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सरफेस, किसी भी सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाई क्या हो जाएगा, एरिया, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो यहां पर देखिए एरिया को हम लोग क्या लिखे हुए हैं, डीएस लेकर चल रहे हैं, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन फेस पर हम लोग ले रहे हैं, प्लेन फेस हमारे पास क्या है, एबी है। एबी पर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो पॉइंट पी पर का दोनों सेम लाइन पर अगर है तो वहां पर का अगर फ्लक्स हम लोग निकालते हैं तो फाइव वन इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हैं
तो हम लोग जानते हैं जैसे कि ए डॉट बी, ए डॉट बी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, वेक्टर पर अगर आ रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। जब ए बी कॉस थीटा हो गया तो यहां पर भी ई डॉट डी एस है, तो इसको भी क्या लिखे ई डी एस। अब देखो ए बी, ए बी पर का कितना डिग्री है, जीरो डिग्री, तो यहां पर कॉस जीरो का मान कितना वन, बच गया क्या फ्लक्स वन इक्वल टू ई डॉट डी एस। उसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट यहां पर है, सेकंड पॉइंट परपेंडिकुलर, सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो 90 डिग्री, तो यहां पर अगर कॉस 90 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, टोटल क्या आ जाएगा जीरो। तो यहां पर हम लोग क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड पॉइंट क्या सीडी है, इनसाइड कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो ये भी फाइ वन बराबर ई डॉट डी एस, फाइ टू और फाइ थ्री क्या आ गया फ्लक्स वन और फ्लक्स टू और फ्लक्स थ्री जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो उसको हम लोग वैल्यू तो लेते नहीं, जीरो से ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए सिर्फ हम क्या ले लिया फ्लक्स वन ई डॉट डी एस। अब देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आप लोग जानते हैं कि फाइ इक्वल टू क्यू वाई एफ सेलेक्ट नॉट, फ्लक्स का वैल्यू कितना है ई डॉट डी एस, जहां फाइ वन है तो ये चिप फ्लक्स लेकर चल रहे हैं, बाकी तो जीरो है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे कि फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस अगर लेंगे यहां पर क्या लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू सर्फेस। अब देखो क्यू वाई एफ सेलेक्ट नॉट, इस वैल्यू को अगर रखें तो सर्फेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, देखो यहां से q इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, ये वैल्यू यहां पर अगर रख दिए तो रख देंगे थ्री डॉट डी एस नीचे आया, अब डीएस से डीएस क्या हो गया कैंसिल, तो जब कैंसिल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच गया सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरली वेक्टर के फॉर्म में लिखे, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट एन का कैप, एन का कैप क्या डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर परमिटिविटी के केस में कभी कभी अगर फॉर्मूला आ जाता है तो उसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में परमिटिविटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर परमिटिविटी की बात आता है तो इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के कर देंगे। अगर बोल दिया कि परमिटिविटी को भी आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, ई वेक्टर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के एन का है। अब देखो परमिटिविटी का कुछ वैल्यू होता था, परमिटिविटी उसका मान लेकर हम लोग चलते थे, कभी कभी अगर आ जाएगा तो उस चीज को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाय चांस कभी न्यूमेरिकल में आता है इसको, लेकिन मेन आपके पास जो आया वो क्या बन गया इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको नोट कीजिए, चलिए गॉस एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फोर्थ पार्ट, फोर्थ एप्लीकेशन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है 5 मार्क्स में, और वो सब जो एप्लीकेशन पहले जो एप्लीकेशन करवाए थे उस सब पर वो न्यूमेरिकल बेसिस या फिर ऑब्जेक्टिव बेसिस 1 मार्क्स बेसिस पर वो सब दे देता है। बट क्या सेकेंड में अभी फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल से, हमने क्या किया एक स्फेरिकल से गॉसियन सरफेस का बनाए हुए हैं, स्फेरिकल से गॉसियन सरफेस का बनाए हुए हैं, इस पर देखिए इसके इनर एक पार्ट और लिए हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो आउटसाइड है उसके लिए थे स्मॉल आर। हम लोग निकालना है किसका है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इंटायर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर क्यों निकल रहा है तो वहां पर एंगल भी क्या हो जाएगा जीरो डिग्री। इसका भी थ्योरी ऑन द उसी के बेसिस पर टोटल हम लोग लिखते जाएंगे कि फर्स्ट में हमारे पास स्फेरिकल से लेकर कंसीडर सपोज दैट जो जो पॉइंट है डिनोट किए वो सबका बारे में लिख देना थ्योरी, ठीक है। मेन डेरिवेशन वाला पार्ट पर आते हैं, लेट आर बी द डिस्टेंस पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल पॉइंट ओ,
ओ पॉइंट से दो रेडियस एक कैपिटल ए का स्मॉल लेकर चल रहे हैं, आउटसाइड वाला है स्मॉल, इनसाइड का कैपिटल लेकर चल रहे हैं, यहां पर एक रिप्रेजेंट किया हुआ बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, तो ये तो फॉर्मूला हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस कॉस थीटा, अगर इसको हटाते हैं तो कॉस थीटा लगता है, कॉस कितना डिग्री यहां पर बन रहा है, जीरो डिग्री, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, क्या बन जाएगा एडीएस या फिर ई सरफेस डीएस। स्फेरिकल का ले रहे हैं सरफेस कितना लेंगे, इसका जो लेंगे डीएस इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, जब फोर पाई आर स्क्वायर आप रख रहे हैं तो फाइव इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का जो वैल्यू है ये जो फाई हम लोग निकाल कर लाए इस पर क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा ई फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना है, इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, नीचे साइड, इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अगर वेक्टर ये रिजल्ट निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट अगर वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिकल सर, ये भी तो सरफेस बट ये है का अस्फेरिकल है, तो अस्फेरिकल में जो एरिया इसका लेकर चल रहे हैं फोर पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए नॉट ए इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, देन क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर, अगर क्यू निकालना है सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर, देखो ये वाला चीज यहां पर लिख दिए। इस वैल्यू को अगर चार्ज की जगह पर हम लोग रख रहे हैं, इस फॉर्मूला में जाकर रख रहे हैं चार्ज की जगह पर फोर पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि हम लोग कैपिटल के लिए निकाल रहे हैं ना, अभी आउटसाइड के लिए अभी नहीं बात कर रहे हैं, तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। ए एप्लीकेशन फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, व्हेन पॉइंट पी लाई आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल के लिए निकाल रहे हैं, इनसाइड द सेल नहीं, आउटसाइड द सेल के लिए निकाल रहे हैं। आउटसाइड के लिए क्या गया, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर फिर एक बार बोल दे रहे हैं, कैपिटल आर बाहर के जो रेडियस लिए स्मॉल, इनर साइड वाला जो लेकर चल रहे हैं क्या कैपिटल आर है, तो दोनों के लिए। अब हम लोग एक बार निकालेंगे इस पॉइंट के लिए, तो सेकेंड पॉइंट इसको नोट कीजिए, उसके बाद पार्ट बी बताते हैं। चलिए इसका बी पॉइंट हम लोग देखते हैं, बी ए पॉइंट में हम लोग उसका प्रूफ करके ले आए थे, बी पॉइंट में बोल रहा है फिगर सेम वही रहेगा, बी पॉइंट में कर रहा था प्रोसेसिंग, बी पॉइंट में फर्स्ट का आइडलाइन की व्हेन द पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कराए कि दोनों अगर बराबर है, दोनों क्या है एक दूसरे का बराबर है, अगर दोनों का बराबर रहेगा तब क्या होगा, इक्वल टू फॉर प्रोसीडिंग एज द इन पार्ट वन, फर्स्ट वाला प्रोसेसर लेकर चल रहे हैं ई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे इस टर्म में भी लिख सकते हैं, वन बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर कर लिए, अगर दोनों इक्वल है तो स्मॉल के जगह पर कैपिटल आर भी ले सकते हैं, अब कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि क्यू आई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को साइड कर लिए, हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया कितना हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू क्यू आई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर इधर कर देंगे तो इसके जगह पर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या सिग्मा यहां से रख सकते हैं कि नहीं, रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ पॉइंट में कर रहा है, व्हेन द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सेल,
इनसाइड द सेल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इनसाइड द सेल के लिए तो ये हमेशा याद रखना कि ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। बट क्यों, अगर कोई बोले प्रूफ कीजिए, ठीक है, इन दिस केस कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर विल बी नॉट इंक्लूड एनी चार्ज, विल बी नॉट इंक्लूड एनी चार्ज। अगर चार्ज है ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब चार्ज इक्वल टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा। हेंस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज सेल इज जीरो, इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज इज जीरो। अगर जीरो है तो हमेशा याद रखना इनसाइड के लिए। इसका एक ग्राफ भी है, इस पॉइंट से भी हम लोग किसको समझ सकते हैं ग्राफ को, देख सकते हैं हम लोग किस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है एस कैपिटल ए स्मॉल ला क्या कर रहा है, हमेशा डिक्रीज करता चला जाएगा। इस ग्राफ को भी आप याद रखें, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, नोट लीजिए। एप्लीकेशन नंबर लास्ट एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लास्ट है, और एक कुछ यूनिक एप्लीकेशन है। थोड़ा सा इससे समझिएगा ध्यान से कि इस ये देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप से किए थे, तो लीनियर का यूज कर लिए, सरफेस का यूज कर लिए, वॉल्यूम का भी यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम का किस तरह से यूज कर रहे हैं यहां पर देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट फॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सोलिड स्फीयर, यूनिट फॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सोलिड स्फीयर, नॉन कंडक्ट यूनिट फॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सोलिड स्फीयर। तो इसमें कर रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पर है इसमें, अच्छा पहले फिगर देख लो कि एक गॉसियन सरफेस ऐसे लिए है, इन साइड का जो रेडियस है वो कैपिटल है, आउटसाइड का स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर का निकालना है। व्हेन द पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय, एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय, पहले उसका निकाल लेते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पहले से जानते आ रहे हैं, ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस जीरो डिग्री, एक पॉइंट पर निकलेगा जीरो डिग्री बना रहा है, कॉस जीरो वन फाइव इक्वल टू ई डॉट ई डीएस, ठीक है। नेक्स्ट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस तो इसका निकालेंगे फाइव डी फाइव, फाइव इक्वल टू डी डी एस, डी एस बाहर कर दिया, गॉसियन का होल सरफेस क्या आ जाएगा, उतरे पहले से ए, ए देखो ए बाहर का है जो स्फीयर है, ऐसे अंदर वाला तो वॉल्यूम हो गया ना, अंदर वाला, ठीक है, तो बाहर वाला तो क्या आ जाएगा, एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को यहां पर लाकर रख दिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर भेज दिए इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, हाँ है ना, हो जाएगा ना। चलो अब इसका इनसाइड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं इनसाइड के लिए मतलब कि इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज गिवन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, रो इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय वी तो वी इक्वल टू हम लोग लगाएंगे ना वॉल्यूम का, तो क्या आ जाएगा यहां लिख दे रो इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू इक्वल टू वी कितना होता है फोर पाई थ्री पाई आर क्यू, इसको अरेंज किया क्यू इक्वल टू थ्री क्यू फोर पाई आर क्यू। अब इस वैल्यू को इस चार्ज में लाकर रख दीजिए, जब रख दिए तो क्यू इक्वल यहां लिख दे नॉकपुट वैल्यू क्यू इक्वल टू फोर पाई आर क्यू बाय थ्री, फोर पाई आर क्यू बाय थ्री, ठीक है, फोर पाई आर क्यू बाय थ्री, फोर पाई आर क्यू। अब यहां पर फोर पाई कैंसिल एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाय थ्री, अब इसको अरेंज किए इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कैपिटल आर क्यू बाय स्मॉल आर क्यू। अब तो इसका हम लोग इजीली वे में निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको यूज कर लीजिए, उतार लीजिए,
सॉरी यार स्क्वायर है तो बाबू लास्ट में भी तो स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ क्यू कर दिया नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा। उतारिए इसको भी, वार्ड बी में देखो करा विन द पॉइंट पी लाइक जस्ट द सरफेस ऑफ द स्पेयर, लाइक जस्ट द सरफेस ऑफ द स्पेयर, लाइक जस्ट द सरफेस ऑफ स्पेयर। तो पहले से हम लोग क्या इन दिस केस ऑफ फॉर्म इक्वेशन, तो पहले वाला इक्वेशन हम लोग क्या लाए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू वाई पर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पहले से लेकर चल रहे थे, हाँ या ना पहले से लेकर चल रहे थे, पहले कुछ याद था ये वाला में जाकर देखो। सेकेंड वाला में भी जस्ट कुछ देर पहले लाए थे इक्वल टू रो वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर क्यू वाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल आर था, हाँ या ना कैपिटल आर लेकर चल रहे हैं। दोनों को दोनों इक्वेशन को करो कम, देखो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या आ जाएगा, थ्री को इक्वल टू रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ए ऑप्शन नंबर किसका थर्ड का, सी बी लेकर चल रहे थे कब, जब आर इक्वल टू आर है, आर यहाँ पर स्मॉल था उसके जगह पर क्या किए कैपिटल आर किए, तो दोनों को कंपेयर किए, कंपेयर करके इक्वेशन आ गया। जल्दी जल्दी इसको उतारो, इसके बाद सी पॉइंट पर आते हैं फटाक। चलिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो फिफ्थ बता रहे थे वो पॉइंट नंबर सी में आते हैं। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बी पॉइंट में कुछ नहीं था, ए पॉइंट और बी, ए पॉइंट और सी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट का रिजल्टेंट हम लोग ले आए थे, अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर सिर्फ कंपेयर करते थे, कंपेयर करने के बाद जो आ गया वही आंसर था। सी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा कि व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, लाइज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड मतलब अंदर, जब वो अंदर की ओर हो गया तो वॉल्यूम के केस में आ गया। अब जब वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लगे, अब चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में चले जाएंगे। तो कह रहा है कि इसमें आपको कहेगा सर फिगर हम लोग अंदर की ओर बना दिए, अंदर पॉइंट पी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे है। कह रहा है सर डॉट डॉट पॉइंट क्या है, बाहर वाला का रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाला का स्मॉल ले लिए, अब देखो ये अब जो डॉट डॉट लाइन है वो है क्या, क्या चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे मेन पॉइंट ये समझना है। कह रहा है इन दिस केस डॉट डॉट सर्कल रिप्रेजेंट द गॉसियन सर्फेस, डॉट डॉट सर्कल रिप्रेजेंट द गॉसियन सर्फेस, गॉसियन सर्फेस का रिप्रेजेंट कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी अंडर द कंसेंट्रेशन, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी अंडर द कंसेंट्रेशन। अब यहां पर निकालेंगे ईडीएस, ईडीएस को जीरो, डीएस थोड़ा सा डीएस इसको दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, एस वही फॉर्मूला हर बार इसी फॉर्मूला के यूज कर रहे हैं, ए मत समझना कि अलग अलग है तो धीरे धीरे अलग अलग यूज कर रहे हैं, नहीं वही इस पर चल रहे हैं। फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं एस सर्फेस एरिया कितना जगह टोटल, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई तो फ्लक्स ई, फोर पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब मे भी तो आपको गॉस थ्योरम का फॉर्मूला याद हो गया होगा कि गॉस फॉर्मूला होता है क्या, तो इतना यूज करते आ रहे हैं कि गॉस फॉर्मूला ग्राफ को याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू फाई डैश, अब यहां पर इनर सर्फेस, इनर सर्फेस का जो चार्ज दिया है, इनर सर्फेस का जो चार्ज दिया है उसको क्यू नहीं क्यू डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू नहीं क्यू डैश रिप्रेजेंट रहे हैं, आप लोग मेरी समझ गए होंगे। तो देखो इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फोर पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जगह क्यू डैश बाय फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट मांगे हैं ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब क्यू का नहीं क्यू डैश का, क्यू का नहीं क्यू डैश का, क्या आ जाएगा रो फोर पाई थ्री पाई आर क्यू, इसको मान लेते हैं सेकंड, पुट द वैल्यू रो इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में इसको पुट किया, सेकंड में अगर पुट कर रहे हैं तो इसको देखो थ्री क्यू फोर पाई आर क्यू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, पाई से पाई कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, अगर सब कैंसिल आउट हो गया तब क्यू डैश इक्वल टू क्यू स्मॉल बाई या स्मॉल बाई कैपिटल आर का ऑल क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट वैल्यू क्यू डैश, पुट वैल्यू क्यू डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर देना, रख दीजिए फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यू आर स्क्वायर, जो कट करके यहां पर से आ जा रहा है आप लोग इसको कट कर दीजिए, देखो क्या कटेगा आर क्यू कट गया, एक स्मॉल आर उधर भेज दिए, यहां पर बच एक क्यू हो जाएगा ना, तो एक तो बचेगा, एक को क्या करें बाहर कर दें, इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर, फिर से यहां समझो ये इसका पी है तो आर क्यू आर क्यू आर क्यू बाई आर क्यू नीचे आएगा, आर स्क्वायर सॉल्व कर एक आर बचा तो आर बाई आर, आर को हम लोग क्या करें बाहर कर दें। अब पुट द वैल्यू रो क्यू फोर बाई थ्री आर क्यू रो बाई थ्री इसमें रखेंगे, ई बराबर क्या आ जाएगा रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये देखो ग्राफ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दोनों साइड की ओर चल रहा है, इस ग्राफ को भी याद रखना। तो इस तरह से आज आपका गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जितने भी था हमने सब करा दिए, सटीक करवाए हैं, एक्यूरेट एकदम दिए हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। बाय चांस अगर कहीं मिस्टेक है इधर है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका लेकर आएंगे, एक वीडियो गॉस एप्लीकेशन पर और बनाएंगे, और उसमें सिर्फ ओनली फॉर ओनली सेलेक्टेड न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। इस जितने भी एप्लीकेशन बताए हैं सभी एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल बताएंगे, और उस न्यूमेरिकल को अगर आप कर लेते हैं तो मे भी आपको सारा एप्लीकेशन इसको पता हो जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट करें कि एक नेक्स्ट वीडियो हम चालू करने वाले हैं, उसमें क्या करवाएंगे तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाएंगे, ओनली फॉर एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपको देंगे, और वो भी वीडियो बहुत जल्द मैं आपको पास लेकर आऊंगा। तो इसी तरह से इसको आप उतार सकते हैं, और आगे के लिए फिर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में आप लेकर आएंगे। थैंक यू, उतारे।